दोस्तों अगर आपका बजट है 10,000 से 15,000 रुपए के बीच में और आप खरीदना चाहते हैं एक स्मार्टफोन तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे सारे स्मार्टफोन जो 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में अभी मार्केट के अंदर नंबर वन पे चल रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, जो पहला फोन आ रहा है Zenfone Max Pro 1 के अंदर आपको मिलेगा ऑल मेटल बॉडी डिजाइन, साथ में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर और इसके अंदर एड्रेनो का 509 का जीपी आपको मिलता है, साथ में आपको मिलेगा 3GB रैम और 32GB की स्टोरेज। मैं बात कर रहा हूं 10,999 रुपए वाले मॉडल के बारे में। इसमें आपको मिलती है मैसिव 5000 mAh की बैटरी, साथ में आपको मिलेगा 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो, फुल HD स्क्रीन है 5.99 इंच की जो कि 2160x1080 के पिक्सल रेशियो पे काम करती है। इसके अंदर आपको हार्डवेयर बुके इफेक्ट मिलने वाला है, 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आपको मिलेगा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। दोनों ही कैमरा इसके अंदर आपको LED मिलने वाली है, यानी कि आप फ्लैश के साथ आप इसके अंदर पिक्चर ले सकते हैं। लेटेस्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है ओरियो का 8.1 और कंपनी का प्रॉमिस है कि आने वाले दो ऑपरेटिंग सिस्टम को इसे अपग्रेड करेंगे, यानी कि P और Q दोनों में कंफर्म है कि Asus का Zenfone Max Pro अगले दो एडिशन तक जो है वो आपको अपग्रेड मिलता रहेगा। दोस्तों ये आपको मिलने वाला है दो कलर्स के अंदर, ब्लैक और ग्रे, साथ ही आपको मिलेगी फेस आईडी और फिंगरप्रिंट स्कैनर, दोनों फैसिलिटीज इसके अंदर आपको मिलने वाली है। इसके अंदर एक अलग सा ऑप्शन मिलता है Flipkart का 49 रुपीज का, अगर आप वो 49 रुपीज के अंदर अपना फोन प्रोटेक्शन लेते हैं तो आपको वारंटी नहीं आपको गारंटी मिलेगी, यानी कि अगर कुछ भी आपके फोन को हो जाता है, अगर स्क्रीन भी टूट जाती है, पानी गिरने से भी खराब होता है, तो भी कंपनी आपको रिपेयर रिप्लेस करके देगी। और दोस्तों अगर आपको वारंटी या गारंटी के अंदर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है तो ऊपर दिए हुए कार्ड में आप जाके देख सकते हैं, मैंने डिटेल में बताया कि वारंटी क्या है और गारंटी क्या है। इसके अलावा दो और मॉडल आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, एक 12,999 रुपए का और एक आपको मिलेगा 14,999 रुपए का। जो 12,999 का मॉडल है वो 4GB और 64GB का वेरियंट है, इसके अलावा जो 14,999 का है वो 6GB और 64GB का वेरियंट है। जो 14,999 वाला वेरियंट है उसके अंदर आपको कैमरा भी अपग्रेड मिलेगा, लेकिन वो मॉडल अभी लॉन्च नहीं हो रहा है, वो मॉडल होगा थोड़े टाइम बाद, लॉन्च उसके बारे में दूंगा बाद में अपडेट। फिलहाल हम बढ़ते हैं नंबर दो पे जो फोन है वो है रेडमी का Note 5 Pro। रेडमी Note 5 Pro के अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन क्वालकॉम प्रोसेसर मिलने वाला है 636 का और इसमें आपको मिलेगी 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज। मैं बात कर रहा हूं 13,999 रुपए वाले मॉडल के बारे में। साथ ही इसके अंदर आपको मिलती है 5.99 इंच की फुल HD स्क्रीन जो कि 2160x1080 के पिक्सल में आपको मिलती है, 2.5D का कर्व्ड ग्लास इसके अंदर आपको मिलेगा। आपको इसके अंदर रियर में मिलता है ड्यूल कैमरा जो कि 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का F2.2 का अपर्चर मिलेगा आपको, साथ में आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलने वाला है 20 मेगापिक्सल का जिसके अंदर भी आपको F2.2 का अपर्चर मिलेगा। दोनों के अंदर आपको LED फ्लैश मिलने वाली है, 4000 mAh की आपको मैसिव बैटरी इसके अंदर आपको मिलेगी और 181 ग्राम के करीब इसका वेट होने वाला है। दोस्तों अभी तक था ये नंबर वन की पोजीशन पे, लेकिन इसको हटा के Zenfone Max Pro 1 आ गया है नंबर वन की पोजीशन पे। अब बात करता हूं जो फोन है नंबर तीन की पोजीशन पे, उसका नाम है Honor का 7X। ये मैं बात कर रहा हूँ 12,999 रुपए वाले मॉडल के बारे में जिसके अंदर आपको मिलेगी 4GB की रैम और 32GB की स्टोरेज जिसको आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 2.5D का कर्व ग्लास मिलता है, मेटल बॉडी है, 5.9 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है, ये भी फुल HD है 2160x1080 के पिक्सल के अंदर, H2S स्क्रीन है, कमाल का इसके अंदर डिस्प्ले है, साथ ही आप स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं तो आप एक ही स्क्रीन के अंदर दो अलग अलग एप्स का मजा ले सकते हैं, 16+2 इंचेस का आपको रियर कैमरा मिलने वाला है जो कि बुके इफेक्ट आपको देगा, 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है, दोनों के अंदर ही पोर्ट्रेट मोड आपको मिलने वाले हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा, साथ ही फेस अनलॉक का फीचर इसके अंदर मिलने वाला है, क्रीन का 659 का प्रोसेसर मिलेगा जो कि 2.3 GHz की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है दोस्तों और 16 नैनोमीटर की प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, 3340 mAh के अंदर आपको बैटरी मिलने वाली है और 165 ग्राम का इसके अंदर वेट होने वाला है। अगर मैं फोन की प्रोज की बात करूं तो कमाल का इसके अंदर लुक है, बहुत ही एक मेटल डिजाइन इसके अंदर आपको मिलता है और कैमरा भी इसके अंदर कमाल का है, तो अगर आप एक कमाल का फोन चाहते हैं जिसके अंदर लुक्स और कैमरा दोनों हो कमाल के तो Honor के 7X की तरफ आप जा सकते हैं। कॉन्स की अगर बात करूं तो इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है तो आप अलग से इसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं। अगले फोन की अगर बात करूं तो नंबर चार पे जो फोन आता है वो है Redmi का Note 5। Redmi के Note 5 की मैं 11,999 रुपए वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूं जिसके अंदर आपको 4GB की रैम मिलेगी और 64GB की स्टोरेज मिलने वाली है। इसके अंदर आपको मिलता है Snapdragon का 625 का प्रोसेसर और इसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। जो रियर कैमरा है वो 2.2 के अपर्चर पे काम करता है और जो फ्रंट कैमरा है वो 2.0 के अपर्चर पे काम करता है।
इसके अंदर भी आपको दोनों कैमरास के अंदर फ्लैश लाइट मिलने वाली है, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो फ्लैश लाइट कुछ खास काम करती नहीं है और कैमरे से आप इसके ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। रेडमी के कैमरा ने मुझे हमेशा निराश किया है और इसका भी मैंने एक रिव्यू किया था, मैं ऊपर लिंक में दे रहा हूं। तो कैमरा की क्वालिटी आप देख सकते हैं कुछ खास आपको नहीं अच्छी लगेगी। अगर आप कैमरे के लिए जाना चाहते हैं तो ट्राई ऑनर फोन। साथ ही इसके अंदर आपको मिलेगी 5.99 इंच की फुल एचडी स्क्रीन, 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो के अंदर वो मिलती है आपको। 403 का पिक्सल पर इंच मिलने वाला है। 2.5D का कर्व ग्लास इसके अंदर आपको मिलेगा। 4000 mAh की मैसिव बैटरी आपको मिलने वाली है और 180 GSM मतलब 180 ग्राम का इसके अंदर वेट होने वाला है। अगर कोन की बात करूं तो इसके अंदर भी हाइब्रिड सिम स्लॉट, वही प्रॉब्लम है कि अगर आपने दो सिम लगा लिए तो उसके बाद आप अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। और आज का टाइम ऐसा है कि जियो का सिम आप यूज करते हैं, साथ में दूसरा सेकेंडरी सिम तो आप यूज करते ही हैं, तो ये चांसेस है कि आप ज्यादा इसके अंदर मेमोरी नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर मैं बात करता हूं नंबर 5 के फोन की तो वो है 10,999 रुपए का और वो है ऑनर का 9 Lite। ऑनर के 9 Lite के अंदर आपको 3GB 32GB वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूं, मतलब 3GB रैम मिलेगी और 32GB की स्टोरेज मिलने वाली है जिसको आप बढ़ा सकते हैं 256GB तक। क्वाड कैमरा इसके अंदर आपको मिलने वाला है 10,999 रुपए के अंदर आपको क्वाड कैमरा मिलेगा, मतलब कि रियर और फ्रंट दोनों में 13 MP प्लस 2 MP और 13 MP प्लस 2 MP का आपको कैमरा मिलने वाला है। दोनों के अंदर आप हार्डवेयर बुके इफेक्ट देख सकते हैं, तो ये एक रियल बुके आपको इफेक्ट देने वाला है, मतलब इस तरीके से नहीं कि सॉफ्टवेयर के थ्रू कर दिया है, ये हार्डवेयर बुके इफेक्ट है। तो काफी अच्छी सी कैमरा क्वालिटी आपको मिलने वाली है 10,999 रुपए के अंदर। साथ ही इसके अंदर आपको मिलेगा क्रीन का 659 का प्रोसेसर जो कि 2.36 GHz की फ्रीक्वेंसी पर चलता है। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है दोस्तों जो कि 16 नैनोमीटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका काफी फास्ट बोलते हैं कंपनी, यानी कि 0.25 सेकंड्स के अंदर फिंगरप्रिंट इसका काम करता है। साथ ही फेस अनलॉक का फीचर भी इसके अंदर आपको मिलता है। 5.65 इंचेस की फुल एचडी स्क्रीन इसके अंदर आपको मिलेगी जो कि 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो पे काम करती है, यानी कि फुल व्यू डिस्प्ले आपको अंदर मिलने वाला है। 3000 mAh की बैटरी इसके अंदर आपको मिलेगी जिसके अंदर आप 86 घंटे तक का नॉनस्टॉप म्यूजिक सुन सकते हैं और 11 घंटे तक ऑफलाइन वीडियो आप देख सकते हैं। तो काफी अच्छे तरीके से जो है प्रोसेसर जो काम करता है, ताकि बैटरी जो है इवन 3000 mAh की होते हुए भी काफी अच्छा आपको रिस्पांस देती है, मतलब काफी आपको टॉक टाइम और काफी बैकअप आपको देती है। 3 कलर वेरिएंट इसके अंदर आपको मिलेंगे, मिडनाइट ब्लू की बात करूं, सफायर ब्लू की बात करूं या फिर ग्लेशियर ग्रे की बात करूं। 149 ग्राम का इसके अंदर वेट होता है और ऑनर का EMUI का 8.0 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, साथ में आपको नोगेट मिलेगा जो कि एंड्रॉयड की तरफ से मिलता है। ये थे वो 5 फोन दोस्तों जो कि अगर आप बात करते हैं 10,000 की रेंज से लेके 11, 12, 13, 14 और 15,000 तक की रेंज में मार्केट के अंदर इस वक्त जो बेस्ट फोन अवेलेबल है, मैंने किया आपके साथ शेयर। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।